नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, पीएम मोदी बोले 500 साल बाद अपने घर में जन्मदिन मना रहे भगवान राम। राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया तो वो बोले अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया है। भाजपा के कहने पर बसपा ने बदला प्रत्याशी, डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार बदलने पर भड़के अखिलेश यादव, अब शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। ये नेताजी का क्षेत्र है, यहाँ के लोग हमारे परिवार से सीधे जुड़े हैं। महाराष्ट्र में ठाणे और पालघर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा। गैंगवार की इजाजत नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर देंगे, सलमान खान से मिले सीएम एकनाथ शिंदे। जीतू बोले पहले चरण की 6 में से 4 सीट जीतेंगे, पीसीसी चीफ बोले यदि परिवार में संपन्नता आई तो वोट मोदी को बनता है, नहीं आई तो उन्हें हराना है। राम मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह दिल्ली रवाना, छिंदवाड़ा में नाराज नेताओं को नसीहत, चुनाव में कमी रही तो पार्टी बाद में निर्णय लेगी। आरक्षण को लेकर बीजेपी को क्या बोल गए मनोज झा, याद दिलाया मोहन भागवत का पुराना बयान। शंभू बॉर्डर पर एसकेएम आज करेगा रेलवे ट्रैक जाम, सरकार को किसानों की रिहाई का दिया था अल्टीमेटम। एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला, इस बीच कई किसानों को हिरासत में लिया गया। नैना और 5 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।